दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिखते क्लासेस में। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी टेट ने अपना 2018 दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो गया है। चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर 2019। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह की ये इमेज निकल कर आ जाती है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं आगे बताना आपको। तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस किस तरह से आपको समझना है, क्या क्या पढ़ना है, तो पूरी जानकारी लेते हैं हम आगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो चुका है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सी टेट दिसंबर 2019 के लिए डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 19/8/2019 और 18 तक वो जमा होंगी। इन्फॉर्मेशन सारी बता देता हूँ। और ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/9/2019 तक भरी जाएंगी। लास्ट डेट जो है वो 23 तारीख है फी जमा करने की। और एग्जाम डेट सबको पता है 8 दिसंबर, जो मैं पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुका था। तो दोस्तों इसके बारे में मुख्य तारीखों को जानने की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी मुख्य डेट्स हैं जिन पर आप बात करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ कब कब आपको जमा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत कर देते हैं कि जो वेबसाइट है ctet.nic.in, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों बात करेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क बात करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे पहले मैं फीस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फी क्या है, 700 रुपये और 1200 रुपये, कोई भी बदलाव नहीं है। पेपर वन अगर सिर्फ कोई एक पेपर देंगे तो जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपये है, SC ST के लिए 350 रुपये है। दोनों पेपर देंगे तो जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये और SC ST के लिए 600 रुपये। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी कि भाई आपको क्या कोई बदलाव इसमें हुआ है कन्फर्मेशन करना है। अप्लाई शुरू हो गया है तो अपना फॉर्म आप आसानी से भर पाएंगे, जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भरने की शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ फी मैं बता चुका हूँ। करेक्शन जब होगा तो कैंडिडेट पार्टिकुलर्स कैन नॉट इट बी चेंज एडिट वंस द एग्जामिनेशन हैज बीन सबमिटेड, देयरफॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर कैन बी मेड ऑन 27/9/2019 से लेकर के 3/10/2019 तक आपका जो गलत फॉर्म भर जाएगा उसमें चेंज भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा पेपर वन पेपर टू के बारे में। सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में चल रही थी, क्या पेपर में कुछ चेंज हुआ है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही थी कि लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इन सभी क्वेश्चन को लेकर के मैं अब आपके सामने आपको इन चीज़ों को बताना चाहूँगा कि भाई आप इन चीज़ों को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो कि कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यह पूरा देखते हैं, बैकग्राउंड मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा पढ़ता हूँ आपकी डेफिनेशंस को कि भाई पेपर वन 8 तारीख को संडे को होना है और 9:30 बजे सुबह की शिफ्ट में, और पेपर टू सेकेंड शिफ्ट में होगा 2 से 4:30 बजे तक, 2.5 घंटे का समय इस पेपर को मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट से भर लेंगे, अप्लाई करें, स्कैन इमेज अपने पास रखें और अपने सिग्नेचर रखें, डेबिट क्रेडिट कार्ड रखें जिससे कि आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी। दोस्तों सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ हो, सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट हो 45% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर, इन फाइनल ईयर में अप्लाई हो। सीनियर सेकेंडरी लास्ट डेट 50% है और फाइनल ईयर में हो, 4 ईयर का बैचलर डिग्री। सीनियर सेकेंडरी में हो 50% मार्क्स और पास्ट अपीयरिंग फाइनल ईयर, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड क्वालिफाइड। यानी यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिख पा रही है जिससे कि ये साबित हो जाए कि कोई परिवर्तन हुआ है, कोई भी एलिजिबिलिटी में परिवर्तन नहीं है कि कोई 1 साल वाला अप्लाई कर पाएगा लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा उसके लिए यहाँ कोई भी मानक नहीं दिए गए हैं। तो पहली बात आपको समझा दूँ मैं कि ऐसा नहीं जो फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी को नहीं माना गया है। ऐसी स्टेज टू में जो एलिजिबिलिटी पहले थी वो बाद में भी है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कैसे भरना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जहां पर आसानी से आप जान पाएंगे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए मैं टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और क्वालिफिकेशन जो है क्लियर करने का, वो जो पहले था वही है जो पहले रिजर्व कैटेगरी के लिए था और वो जो था 90 और 82 अंक का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर कंटेंट की बात करते हैं। पेपर वन पता है ना आपको 1 और 5 के लिए दिया जाता है, तो सी टेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 अल्टरनेटिव होंगे जिसमें से एक सही होगा उसको आपको चूज करना है।
और पेपर वन और पेपर टू के बारे में जानकारी पूरी होगी। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, पेपर वन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेम सिचुएशन में है पूरा का पूरा, यानी आपको 30 क्वेश्चन सीडीपी के मिलेंगे, कंपलसरी है लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू सबके 30-30, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, इन सब पर आपको 30-30 अंक, 30-30%, 150 नंबर का पेपर। और जो फोकस रहेगा क्वेश्चन का, वो बहुत ज़रूरी है समझना आपका, क्योंकि फोकस के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि ये आपको बहुत जानना कि आपको पढ़ाई कितने लेवल की करनी है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं कौन से लेवल की पढ़ाई करनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें, मैं समझा देता हूँ आपको। नेचर क्या है क्वेश्चंस का, क्या इसके बारे में है कि डेवलपमेंट पेडागोजी 6 से 11 तक आएंगे, 6 से 11 ईयर्स के ग्रुप के लिए। लैंग्वेज में लैंग्वेज टू भी, कोई लैंग्वेज दो आपको ऑप्ट करनी होंगी। अब सबसे जो बड़ी बात है कि भाई पेपर का लेवल क्या होगा, वो बहुत ज़रूरी जानना है। चलिए उसको बता देता हूँ। लेवल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लेवल के बारे में लिखा है, दोनों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, कि टेस्ट आइटम मैथमेटिक्स जो होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगे और पैडागॉजी इशू होंगे। तो क्वेश्चन इन दी टेस्ट ऑफ पेपर वन पेपर टू बेस्ड ऑन द टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ द एनसीईआरटी फॉर क्लास 1 to 5, यानी 1 से 5 तक जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन डिफिकल्टी स्टैंडर्ड जो होगा वो कुड बी सेकेंडरी लेवल, यानी 10th तक का। यानी यहाँ पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि स्नातक स्तर से 12th स्तर से आपका पेपर बनता पूछा जाएगा, वो यूपी टेट में हो सकता है। लेकिन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में कोई भी बदलाव अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, जो है वो सामने है। इसके बाद पेपर टू में भी देखें तो पेपर टू में सेम क्वेश्चन है, 30-30 अंक के और 60 अंक का आपका SST या मैथमेटिक्स साइंस है। और इसके बाद नेचर जो होगी क्वेश्चन की वो देख लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, दो लैंग्वेज चूज करनी है। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द क्वेश्चन इन दी टेस्ट वो पेपर सेकंड विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रिस्क्राइब इन द सिलेबस ऑफ द NCERT फॉर क्लास 6 to 8, बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल लिंकेज कुड बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी स्टेज। यानी यहाँ पर 12th तक का लेवल आएगा पेपर टू में, तो यहाँ पर कोई भी आपको नहीं गया कि 7th तक का लेवल आएगा, जैसे कि हम सुनने में आ रहा था। कोई भी ऐसा नहीं दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग इस बार इंप्लीमेंट हो रही है, ऐसा एक जगह भी यहाँ पर अभी मुझे नहीं मिला है सुनने को कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि कोई भी बदलाव अभी तक हुआ है और कोई भी बदलाव यहाँ पर होने वाला है। तो या ए पर्सन हु सिक्योर 60% और मोर देन टेट एग्जाम विल बी कंसिडर टेट पास। और SC ST के लिए वही है, पर्सन क्या है, स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट कंसिडर्स गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंग टू SC ST कैटेगरी और एबल्ड पर्सन एटसेट्रा इन द अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। यानी वही है, 90 नंबर पर यह पास होगा जनरल के लिए और OBC और SC के लिए 82, यानी जो मार्क्स है 55% और 60% का रेशो वही है, कोई भी बदलाव अभी तक नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक, अब सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस की वीडियो में अलग बनाऊंगा कि सिलेबस में कोई बदलाव है नहीं। हालांकि मैं सिलेबस ही बता देता हूं, अभी तक टेट 2019 जो होने वाला है सीटेट, इसमें एक भी बदलाव नहीं है, सारा सिलेबस कंटेंट सब वही है। तो दोस्तों अब चिंता ना करें कि इसमें कोई बदलाव होने वाला है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बस आप स्टडी को मजबूत कराएं। हाँ, लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो उस लेवल की तैयारी शुरू करेंगे। 3 महीने हमारे पास शेष बचे हैं, स्ट्रेटेजी कैसे होगी पेपर को करने की, उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे। अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, तैयारी शुरू कर दें, फॉर्म भर लें। धन्यवाद।